तो मसाई लोगों के घर के अंदर देखते हैं कैसा है। How can you write it on your hand? Can you write it on my hand? On your hand? Does it work or not? Oh, it don't work. No, not that much. Because it's the dust. It's too white. Too white. Yeah. Too white. Yeah, so you can see that it's so useful. Wow. And I'm waggy. So let's just have like a welcome. Okay. Ah. यहाँ पर एक कुत्ता भी है इनका, इन्होंने का पेट नहीं है ये, बस आ जाता है यहाँ पे। और एक चिकन भी है इनका। It tried to play with me, scratched me very badly. Yeah. Whoever jumps the highest gets a lady from the other village. अब हम इनके गांव से निकलकर एक पास के टाउन में जा रहे हैं, क्योंकि एटीएम की जरूरत है हमें। $20 की पर पर्सन एंट्री फीस है इनकी मसाई विलेज में जाने के लिए। तो ये टाउन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। एक स्कूल है, अपेरेंटली एक एटीएम होगा इस टाउन में, मिल जाना चाहिए, नहीं तो कीनिया की करेंसी है यहाँ पे शिलिंग्स। लेकिन बहुत सी जगह हैं यहाँ पे डॉलर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। ये देखो पेट्रोल स्टेशन। ओवरऑल कहूँ तो इस टाउन में गंदगी काफ़ी ज़्यादा है रवांडा के कंपैरिजन में। Oh, that's the ATM. Wow. Next to the police station. बड़ी सिक्योरिटी है इस ATM के बाहर लगता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। अच्छा ये बता रखा है कि कैसे देखना है, सही नोट है। If you tilt at an angle, ऐसे दिखेगा। अच्छा भाई चलो, hopefully कार्ड काम कर जाना चाहिए। नीचे से चेक कर, नीचे से चेक कर। तो $100 तो निकल गए ATM से, लेकिन काफी है मतलब इन्हें $60 पे करने के लिए, लेकिन और पैसे की जरूरत थी और नहीं निकल पाए हैं। मुझे जरूरत थी करीब $800-900 की, क्योंकि $70 पर दिन पर पर्सन मसाई मारा का पार्क का चार्ज है। Food can make fire. Yes. I think the elephant dung can make the yes, fire, right? Yes. We just saw it while coming here, and then they told us. Yeah. So actually, we do have like two or three kind of materials where they use have to get fire with. तो ऐसे ये लोग आग जला रहे हैं। Is there a little smoke? Yes. Yes. I see it. No fire, no food. Mm-hmm. No fire, no food. Yeah. You'll be very much less in terms of making fire. Yeah. You cannot be there to get food. Wow. Yeah. Now it's a lot of smoke. Okay, so this is like a little drop. Yeah. Just a drop. So this is what is going to give us the result of fire. Wow.
It doesn't even, it didn't even seem like it was burning that much. No. It's just very hot. Wow. Oh, wow. That's crazy. Wow. तो मसाई लोगों के घर के अंदर देखते हैं कैसा है, कैसा है इनका घर, पूरा मिट्टी का बना हुआ है। Oh, it's very dark. True. Nothing is visible. So you can just have a seat here. You're not a seat here. Oh wow. And then they got another like parents' room the way you are sitting. Yeah. Okay. And they got another new room there behind us there. That's what room? A storeroom there. Mm-hmm. And a special, and also that's like they have been using as a guest room, so they it's not yet being complete. तो ये इस literally इस पर सोते हैं, ये इनका बिस्तर है, प्लास्टिक की शीट है, लेकिन ये cow hides को as a mattress इस्तेमाल करते हैं, और तकिए और ब्लैंकेट्स तो आप देख ही सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनके घरों में जो खिड़कियां हैं ये बहुत ही छोटी सी इसलिए होती हैं ताकि कोई भी जानवर अगर अंदर आ गया फेंसिंग के बावजूद भी तो घर के अंदर ना घुस पाए वो, कोई लायन या लेपर्ड। और घर में दरवाज़ा क्या है आपको वो भी दिखा देता हूँ। दरवाज़ा कुछ इस तरह से है, तो कुंडी लगाई जा सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है अगर कोई शेर वेर इधर भी आ गया तो। तो ये एक्चुअली में काऊ डंग से बना हुआ हाउस है जो क्ले के साथ मिक्स करी गई है, काऊ डंग, और फिर ये दीवारें बनी है घर की। एंड द रूफ आल्सो, या द रूफ आल्सो, बट एक्चुअली दे डू हैव टू यूज सम अप देयर सम डिफरेंट ट्रीज वेयर दे टेक येलो लीफ क्रोटन्स। ओके, येलो लीफ क्रोटन्स स्पेशल ट्रीज, या स्पेशल वन। या तो हर 15 साल बाद इन्हें अपने घरों को दोबारा से बनाना होता है। इन्होंने कहा कि मेंटेनेंस करने की जगह पूरा तोड़कर फिर से एक नया बनाते हैं, और यहाँ की औरतों का काम होता है ट्रेडिशनली इन घरों को फिर से बनाना। तो अब इन्होंने हमारे लिए एक मार्केट सजा रखी है जहाँ पे ये चीज़ें दिखाएंगे हमें। हेलो, तो इस एरिया में आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा गोबर दिखेगा एज़ कम्पेयर टू वहाँ जहाँ घास है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये अपनी गाय को लाकर यहीं पर रखते हैं अपनी फेंसिंग के अंदर शेरों से बचाने के लिए, तो इसलिए जगह गोबर से भरी हुई है। Which class are you in? Fourth class? Yeah. Yeah? In secondary? Yeah. Oh, nice. And what, how old are you? I'm 21. 21? Yeah. Wow. Nice. Okay. Thank you. जब भी हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और कम दिन के लिए ही रहते हैं वहाँ पर, तो मैं अवॉइड करता हूँ उस कंट्री की करेंसी को लेना, कन्वर्ट कराना और अपने पास रखना, नहीं तो उसे यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इनके पास $100 के लिए डॉलर्स में चेंज वापस है नहीं, तो ये कीनिया शिलिंग्स में ही पैसे वापस देंगे, क्योंकि रवांडन करेंसी की तरह ये वाली करेंसी की जो वैल्यू है वो भी बहुत ही डिसप्रोपोर्शनल है। इसलिए हमें $40 के बदले 40,000 किनिया शिलिंग्स मिलेंगे, फिर से एक बड़ा बंडल होगा नोट का। तो अभी तक आपने जीप पूरी प्रॉपरली देखी नहीं है एक फ्रेम में, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ जिस जीप में हम ट्रैवल करने लग रहे हैं। मैं कहीं से भी चढ़ा जा सकता है। Does it look good? Yeah? तो ये रही कीनिया शिलिंग्स। एक्चुअली मैंने कन्वर्जन गलत कर दिया था, 1:1000 का नहीं 1:100 का है, तो $40 के बदले 4,000 शिलिंग्स मिली।
और ये जो आप देख रहे हो ये इन लोगों का स्कूल है, तो गांव में रहने वाले लोग मसाई लोग इस स्कूल में जाते हैं। काफी बड़ा बना रखा है, खेलने कूदने की काफी जगह लग रही है। ये लगता है बच्चों का स्कूल टाइम खत्म हुआ है क्योंकि चारों तरफ बच्चे दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए डांस कर रहे थे वो, क्योंकि कैमरा उनकी तरफ पॉइंट कर रहा था। ये एंट्रेंस हमने कभी पहले देखी नहीं थी, लेकिन ये लिटरली मसाई मारा की एंट्रेंस है। That's how shaky it is. Wow. Good footage. Let's see. तो आज पुम्बा का भी अच्छा वीडियो मिल रहा है। आज की गेम ड्राइव पर पुम्बा को भी बड़े करीब से देख लिया है, तो दिखने में ये सुअर जैसा ही लगता है जिसके सींग निकल गए हों, आगे टस्क्स हों। The song was even better than yesterday. बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें प्लान कर रखी हैं इस रिज़ॉर्ट में, और कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं आप देख ही सकते हो अपने गेस्ट को। ये ओनली प्रॉब्लम इज टू मच डेजर्ट टू ईट, इतना बड़ा ये केक हमारे लिए इन्होंने बनाया है, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है इस रिजॉर्ट में, इसके बाद हम इनके दूसरे रिजॉर्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। Honestly, this resort has been amazing. Yeah. I felt so comfortable here. The staff is amazing. Yeah. So many surprises for us that they organized.